सुप्रभात बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको व्याकरण में वचन का अध्ययन कराएंगे। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा आम खा रहा है, बच्चे आम खा रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए वाक्यों में बच्चा शब्द पढ़ने से उसके एक होने का पता चल रहा है, जबकि बच्चे शब्द को पढ़ने से उसके अनेक होने का पता चल रहा है। पक्षी शब्द के एक से अधिक होने का पता उसकी क्रिया से चल रहा है। इस प्रकार एक या अनेक शब्द का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, नंबर एक एकवचन, नंबर दो बहुवचन। एकवचन की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण, घड़ी मेज पर रखी है, मैं खाना बना रहा हूँ, वह बाजार जा रहा है, स्त्री गाना गा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। दिए गए वाक्यों में घड़ी, मैं, वह, स्त्री तथा अध्यापिका शब्द से एक होने का बोध हो रहा है, अतः ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। अब बहुवचन की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, घड़ियां मेज पर रखी हैं, हम खाना खा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, स्त्रियां गाना गा रही हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए वाक्यों में घड़ियां, हम, वे तथा स्त्रियां शब्द इनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये सब बहुवचन के उदाहरण हैं। वचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। वचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदियों एक वचन के रूप में ही किया जाता है, जैसे हवा, आग, आकाश, पानी, वर्षा आदि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदियों बहुवचन के रूप में ही किया जाता है, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन आदि। संबंध सूचक शब्द जैसे दादा, मामा, नाना, मौसा आदि का वचन कभी नहीं बदलता। इसी तरह सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन के रूप में ही किया जाता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। ये दोनों वाक्य बहुवचन में ही प्रयोग किया गया है। कुछ जातिवाचक शब्द अपने एक वचन के रूप में बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे मुंबई के आम का क्या कहना, नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। दिए गए वाक्यों में आम तथा संतरा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराते हैं। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। वचन परिवर्तन के नियम। आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे मेला का बहुवचन मेले, बच्चा का बच्चे, पंखा का पंखे। आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे माता का माताएं। अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे रात का रातें, बात का बातें। ई या ई के स्थान पर इया लगाकर, जैसे नीति का नीतियां, शक्ति का शक्तियां, लिपि का लिपियां। कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर, जैसे गुरु का गुरुजन,
छात्र का छात्रवृंद, नेता का नेतागण, शिक्षक का शिक्षकवृंद, मजदूर का मजदूर लोग, गरीब का गरीब लोग। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं क एक वचन, ख बहुवचन, ग एक वचन और बहुवचन, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है एक वचन। अब आपका अगला प्रश्न है, वचन के भेद हैं। आपके ऑप्शंस हैं क दो, ख तीन, ग चार, घ पाँच। आपका सही उत्तर है दो। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन शब्द हैं। आपके ऑप्शंस हैं क चिड़िया, ख चिड़िया, ग पुस्तक, घ मेला। आपका सही उत्तर है चिड़िया। अब आपका अगला प्रश्न है, एक वचन का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं क संतजन, ख रातें, ग गाय, घ पत्ते। आपका सही उत्तर है गाय। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन है। आपके ऑप्शंस हैं क होश, ख दर्शन, ग हस्ताक्षर, घ उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अब आपका अगला प्रश्न है, जनता शब्द में वचन है। आपके ऑप्शंस हैं क एक वचन, ख बहुवचन, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है एक वचन। अब प्रश्न अभ्यास, लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर एक, वचन किसे कहते हैं। नंबर दो, वचन के भेदों की जानकारी उदाहरण सहित दीजिए। नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पैसा, पेंसिल, दरवाजा, पुस्तक, बच्चा, पक्षी, चींटी, महिला। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।